अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 गवादर पोर्ट। इसकी जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट थ्री पैराग्राफ्स की रीडिंग कर चुके हैं ट्रांजिशन। अब जो रिमेनिंग हमारे पैराग्राफ्स रह गए उनके हम ट्रांजिशन करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, क्योंकि इसमें हमें बताया गया हुआ है अबाउट गवादर पोर्ट इज अ डीप सी पोर्ट। हमने इसके बारे में पढ़ा कि गवादर पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है, उसके पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन पे जो है उसके क्या इफेक्ट हैं, या हमें हमारी रिलेशनशिप वो किन किन कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग कर रही है, या फिर सी पैक प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि सी पैक प्रोजेक्ट का जो है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और सी पैक प्रोजेक्ट किस तरह डिवेल्प कर रहा है थ्रू गवादर सी पोर्ट। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है रिमेनिंग पैराग्राफ आज हम लोग कंप्लीट करेंगे विद ट्रांजिशन। सी पैक इज अ 3,218 किलोमीटर रूट कंसिस्टिंग ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस दैट विल कनेक्ट द गवादर पोर्ट जिनजियांग इन चाइना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सी पैक है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है इस प्रोजेक्ट की। वो क्या कर रहे थे, सी पैक जो है कितने किलोमीटर रूट है, कितने किलोमीटर रास्ता है, 3,218 कंसिस्टिंग, और ये प्रोजेक्ट किसका था, हाईवेज का था, रेलवेज का, पाइपलाइन का, और जो कनेक्ट कर रहा है ग्वादर पोर्ट को जिनजियांग से जाके, क्या कर रहा है ग्वादर पोर्ट को किससे कनेक्ट कर रहा है, जिनजियांग जो चाइना का सिटी है उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आप लोग, मैंने आपको बताया था कि जो अगर चाइना जो है इस रास्ते से सफर करता है, ग्वादर पोर्ट बहरी रास्ते से सफर करता है, तो उसको बहुत ज्यादा जो है फायदा होता है, क्योंकि वो रोजाना 16 जो है बैरन जो है वो क्या कर रहा है कि तेल मंगवा रहा है बाहर से, तो उसके लिए फिर वो ग्वादर पोर्ट अगर रास्ता आपको समझे उसको शॉर्टकट वो यूज करे। गवादर हैज हेल्प चाइना एंड पाकिस्तान रिलीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिल्क रूट। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, गवादर हेल्प कर रहा है मैरीटाइम सिल्क जो रूट है, रास्ता है, वो उसकी अहमियत को रिलीज करने के लिए पाकिस्तान और चाइना की हेल्प कर रहे हैं, विच विल बेनिफिट नॉट ओनली चाइना एंड पाकिस्तान बट ऑल्सो सेंट्रल। कहते हैं ये रूट अगर मैरीटाइम सिल्क रूट जो है अगर कनेक्ट हो जाता है, ये जो है इसकी ये रिलीज हो रहा है, इसकी हेल्प ना चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, ग्वादर पोर्ट का जो रास्ता है उसकी वजह से मैरीटाइम सिल्क रूट जो है उसकी अहमियत रिलीज हो रही है। कहते हैं वो ना सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहा है बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया को वो बेनिफिट दे रहा है। उसके बाद हमें बताया गया है द बीचेस इन ग्वादर आर यूनिक इन ब्यूटी, दे हैव मैचलेस सीनरी एंड ह्यूज पोटेंशियल फॉर टूरिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके जो बीचेस हैं बहुत ज्यादा जो है वो एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर रहे हैं, कि ना सिर्फ वो एक बहरी ब्यूटीफुल बहरी तजारती रास्ता है बल्कि वो टूरिस्ट के लिए बहुत आप समझे कि खूबसूरत जगह है। उसके जो इर्द गिर्द चट्टाने हैं वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। उसके बता रहे हैं कि जो बीचेस हैं वो मैचलेस सीनरी, ऐसी सीनरी का ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जिसकी कोई जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दे हैव मैनी एस्टोनिशिंग वाइड कर्व्ड रॉक फॉर्मेशंस दैट लुक एज इफ कर्व्ड बाय एन आर्टिस्ट। उस वहाँ क्या मौजूद है, चट्टाने मौजूद हैं जो इस तरह से कर्व हैं ढकी हुई हैं जैसे किसी आर्टिस्ट ने इनको ढका हुआ है। टर्कीश सी वाटर, उसके बाद में वाटर के बारे में बताया गया है पानी के, टर्कीश सी वाटर जो पानी है उसका कलर किस तरह है, फिरोजी कलर का वो पानी है, विथ गोल्डन स्पार्कलेस और चमकदार पानी, गोल्ड की तरह वो चमक रहा है, फेसिंग साउथ गिव्स अ ब्यूटीफुल साइट, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। यानी कि बहरी स्ट्रॉन्ग बहरी तजारती रास्ता होने के अलावा वो क्या है कि बहुत आप समझे कि टूरिस्ट के लिए कैसी जगह है जिसको विजिट करें, उसको अगर देखें, चाहे वो नेशनल लेवल के टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल लेवल के, और वहां आके स्टे करें और उसका उसको एंजॉय करें। It is said that in the coming years these beaches are going to be a great attraction not only for the people of Pakistan but for people from all over the world. कहते हैं कहा जा रहा है कि ये जो beaches हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि तमाम ममालिक के पूरी दुनिया के लोगों के लिए आने वाले वक्त में ये अट्रैक्शन का जरिया बनेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, चाइना भी इस पर काम कर रहा है। ग्वादर कैन एक्ट एज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर पाकिस्तान। कहते हैं ग्वादर जो है काम कर सकता है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का। इट कनेक्ट्स थ्री रीजन्स, तीन रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड द मिडल ईस्ट, यानी कि बहुत बड़े एरिए को, बहुत बड़े जोन को ये कनेक्ट कर रहा है। थ्री रीजन्स बहुत बड़ा जोन होता है। इट इज अ डोर रिपोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन।
इट कैन सर्व एज एन आउटलेट फॉर लैंड लॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज। कहता है कि ये एक दुकान साबित हो सकती है लैंड लॉक्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो वाली कंट्रीज होती हैं जिनको कोई जो है बड़ा समंदर नहीं लगता, चारों तरफ खुश्की होती है, और अगर कोई समंदर लगता भी है तो वो छोटा समंदर होता है, आगे जाकर वो किसी बड़े समंदर से नहीं मिलता। कहते हैं कि अगर इस पर काम किया जाए तो पाकिस्तान जो है, जो ग्वादर पोर्ट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, उनके लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकता है, बहुत कारामद साबित हो सकता है वेस्टर्न चाइना एंड अफगानिस्तान बाय ऑफरिंग ट्रांजिट ट्रेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज। इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स द कराची पोर्ट एंड द पोर्ट कासम एंड दस स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं इसके अलावा ये क्या कर रहा है, कराची पोर्ट को, पोर्ट कासम को, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक प्रोजेक्ट। इसकी अब देखिए मैं आपको बताया कि मोटरवेज का, हाईवेज का, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के यूथ के लिए बहुत सारी न्यू जॉब्स आ सकती हैं, प्रोजेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो। द पोर्ट होल्ड्स ग्रेट इकोनॉमिक प्रोमिनेंस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए वही मैंने जो आपको बात बताई कि मौसी अहमियत का हामिल है। इट विल ओपन नॉट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है ये करामत साबित हो सकता है। देयर वुड बी पॉसिबिलिटीज फॉर पाकिस्तान टू एक्सप्लोर मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल एंड गैस। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज जो है चांसेस बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करे, एक्सप्लोर करे मिनरल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, ऑयल को, गैसेस को, इन रिसोर्सेज को वो एक्सप्लोर करे। द पोर्ट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। मेन चीज, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए बहुत जरूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि बाहर के लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं आगे कंट्रीज में, उनको अट्रैक्ट कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान में आए और आप इस जगह का स्टे करें और इसको देखें। इट विल प्रोवाइड फ्री ट्रेड जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट वुड हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ये जो जोन है, अगर इस पर काम किया जाए पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए बहुत कारामद साबित हो सकता है। द होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड स्टेट रिवेन्यू विल इंक्रीज विच विल सपोर्ट द कंट्रीज इकोनॉमी। द ग्वादर पोर्ट विल नो डाउट बी द डोर टू प्रॉस्पेरिटी फॉर द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा हमें बताया गया है कि अगर इस पर काम किया जाता है, इसके इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत बनाया जाता है, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी के लिए एक ऐसा डोर साबित हो सकता है जो कि किस चीज़ का, तरक्की का, खुशहाली का डोर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्वादर का मतलब क्या है, दरवाजा, हवा का दरवाजा, और फिर इसको क्या कहा जाता है, द डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है, कामयाबी और खुशहाली का डोर कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये हार्ड वर्किंग पीपल के लिए जो है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो है वो डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी साबित हो सकता है, तरक्की और खुशहाली का, अगर हम इस पर काम करते हैं, इसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, इसकी ब्यूटी पे काम करते हैं, इसके बीचेस पे काम करते हैं, तो ना सिर्फ ये ट्रेडर्स बल्कि टूरिस्ट के लिए भी बहुत कारामद साबित होगा। ठीक है, इसको आपने रीडिंग को ट्रांसलेशन के साथ करना है। मेन वर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर से एटलीस्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे आप लोग क्लास में बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।